मधेपुरा में जहरीली साग खाने से एक ही परिवार की 3 लोगों की तबीयत हुई खराब, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। मधेपुरा सदर प्रखंड के धुरगांव वार्ड नंबर 13 में जहरीली साग खाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से उन्हें सदर अस्पताल मधेपुरा में पहुंचाया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 13 निवासी सत्यनारायण दास की पत्नी पूनम देवी, उनकी लड़की मुंद्रिका कुमारी और लड़का सोनू कुमार का आज दिन में खाना खाने के बाद अचानक से तबीयत बिगड़ने लगा। परिजनों ने बताया कि इन लोगों ने आज बच्चों द्वारा बगल के खेत से लाए गए साग को बनाकर खाया गया था, जिसके बाद से ही इनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। परिजनों को आशंका है कि साग में कीटनाशक ज्यादा मात्रा में मिला हुआ था और इसी कारण से इन लोगों की तबीयत खराब हुई है। अनफानन में स्थानीय लोगों एवं परिजनों ने तीनों पीड़ितों को सदर अस्पताल मधेपुरा में भर्ती करवाया, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि तीनों मरीजों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। फिलहाल तीनों मरीज की हालत में सुधार है। मामला था क्या, साग खाने से ऐसा हुआ, बच्चा सब खेत से साग तोड़ करके लाई बना के खाई, उसमें जो जो खाई उसको नशा जैसे लग गया, तो हम लोग तुरंत सदर में लाए उसको। आजकल खेतों में तो लोग कीट पतवार का, खर का, दवाई का प्रयोग करता है, तो अनजाने में ऐसा बच्चा लोग जो साग तोड़ता है खाने से ऐसा होता है। कितने लोग का इलाज चल रहा है? 3 लोगों का, 2 बच्चा है, उसकी माँ है। क्या नाम है लोगों का? पीड़ित महिला का नाम है पूनम देवी और उसकी बच्ची है मुंद्रिका कुमारी, एक उसका बच्चा है सोनू कुमार। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का सत्यनारायण दास, धुरगांव वार्ड नंबर 13 का है। अभी तो ठीक है, तीनों पेशेंट लगभग 12 बजे यहाँ पे आया था, तो हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट किया उनका। वो एक हिस्ट्री लेके आया था कि हमारे घर में साग बना, उसके बाद साग खाने के बाद ऐसा हुआ, तो हमने सारा ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट उनको दिया, तो फिलहाल तो सारा वाइटल्स भी नॉर्मल है और पेशेंट भी नॉर्मल है, कोई खास परेशानी है नहीं, और बस यही है। इलाज चल रहा है? हाँ, इलाज अभी हम लोग अपना ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं। हालांकि बहुत देर हो गया, लगभग क्या स्थिति है सर? अच्छी स्थिति है, हमने तो बोल ही दिया, अच्छी स्थिति, कोई दिक्कत नहीं है।